अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दोस्त आवाम दोस्त, और आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। मौजूदा हुकूमत ने किए मुकम्मल तकरीबन 2 साल। महंगाई और बेरोजगारी से है आवाम का बुरा हाल। हुकूमती वादों और नारों ने उठाए कई सवाल, इस बारे में आवाम का क्या है ख्याल, आइए जानते हैं आवाम से। बाबा क्या कहेंगे, ये तो इतना महंगाई जो हो रही है, ये महंगाई के बारे में मैं क्या कहूँ। महंगाई नहीं, महंगाई तो ये हमारे ऊपर जो है बम का गोला गिराया हुआ है। इस हुकूमत ने हमारे से एतमाद में वोट लेकर हमें धोखा दिया, और इतनी महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई। चलो महंगाई बर दिगर सही है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, किसी भी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। कहीं जाके कोई शरीफ आदमी अपनी कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकता, चाहे किसी भी थाना हो, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, कोई सुनने जिसका जो दिल चाहता है वो महंगाई कर देता है, जिसका दिल चाहता है मुँह उठा के महंगाई कर देता है। एक दिन पैसे पता चला कि वो पेट्रोल पे पैसे बढ़े, दूसरे दिन फटाफट पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, और कोई पेट्रोल की कमी नहीं हुई, और अब ये हाल है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और दूध, दूध का भी यही हुआ। एक दिन रात को खबर आई, सुबह पैसे फौरन दूध वालों ने बढ़ा दिए। जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो किसी चीज़ पे कोई पैसा नहीं। हुकूमत के 2 साल कंप्लीट हो गए, 2 साल गुजार लिए उन्होंने, तो आपको कुछ कारकर्दगी नजर आई हुकूमत की? तो बिल्कुल एकदम समझ लें बंडल है, ख़त्म है बिल्कुल। कोई हुकूमत की कार्रवाई नहीं है, सिर्फ अपना पेट और अपना मफाद सीधा करने के अलावा और कुछ भी नहीं है उसके पास। सही, कोई वादा नारे जो थे वो पूरे हुए कि नहीं? कोई नारा नहीं, कोई वादा नहीं, सब झूठ, सब झूठ, सरासर झूठ। कोई आवाम को रिलीफ नहीं है? कोई रिलीफ नहीं है। इमरान खान सिर सर से लेके पेड़ तक मेरे को झूठ ही झूठ नजर आता है। हो गया, हर चीज महंगी कर दी। दूध दूध भी इन लोगों ने अपने पास से बढ़ाया हुआ, पहले 110 चला रहे थे, अब 120 जानबूझ के बढ़ाए इन्होंने अपने पास से, आगे से थोड़ी है। मेरे तो 2 साल हो गए, तो कोई कारकर्दगी नजर आई आप लोगों को? कोई कारकर्दगी नजर नहीं आई। हम लोग क्या पता कुछ दिनों बाद चोरियां करें, डकैतियां करें, रोजगार नहीं है। फैक्ट्रियों से निकाला हुआ, सेठों ने 2-2 महीने बिठा के दी तनख्वाहें, निकाल दिया हमें। जॉब वाले बंदे ये काम कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बस 6 महीने से काम धंधा नहीं है। अब तो दूध लिया, ये दूध 120 किलो लिया, 4 किलो लिया, 500 भी लिया, हर चीज महंगी हुई है। हर चीज दूध बस जी बहुत महंगा है। और ये हुकूमत क्या 2 साल कंप्लीट हो गए, तो कुछ कारकर्दगी नजर आई हुकूमत? बिल्कुल नजर नहीं आई, बिल्कुल नहीं। बोलो भाई, 120 रुपये किलो दूध हो गया, कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ पर हुकूमत के हुक्मरान। वो कोई एक्शन नहीं लेती है हुकूमत? कोई भी एक्शन नहीं है। एसडीएम आगे पैसे लेके चलेगा, एसडीएम आता है, वो चलान करके चले आता, बस चलान क्या बैठाएगा, थाने में लेके आएगा, कंट्रोल करेगा, वहीं से वहीं गायब हो जाते हैं ये लोग। अभी तक तो आया नहीं, आज 20 दिन होगा बेच, जुलूम इतना हो रहा है, 15 दिन होगा दूध बेच, अभी तक कोई चेक करने आया नहीं है भाई। क्या करें अभी, हर चीज पे पैसे बढ़ गए, सब्जी पे भी, दूध पे भी, भाई कोई सुनने वाला है ही नहीं। हमारी हुकूमत जो है ना बिल्कुल नहीं सुनती है, जिसका जो दिल जाता है वो रेट बढ़ा देता है। चीनी का बताओ, गोश्त का, चीनी का हुआ, गोश्त का हुआ, हर चीज का। अब ये लॉकडाउन चल रहा है, बेरोजगारी है, हम लोग ठेला लगा रहे हैं, पुलिस वाले भगाते हैं हमें, ठीक है ना। अब हम कहाँ से जाके खर्चा करें घर का पूरा अपने। अभी हुकूमत को 2 साल भी हो गए हैं, तो क्या क्या कोई रेफरेंस नहीं है? 14 हज़ार का था, हमारे टुकड़े में किसी को भी नहीं मिला, इक्का दुक्का आदमियों को मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं अपने घरों का, ये हम जानते हैं, ये पुलिस भी नहीं जानती है ना गवर्नमेंट जानती है। ये 2 साल हो गए, गवर्नमेंट की क्या कहेंगे, कुछ परफॉर्मेंस नजर आई, कोई कारकर्दगी नजर आई हुकूमत की आप लोगों को? भाई जीरो इस टाइम है, जीरो है, जीरो है। गरीब आवाम के लिए सही, पैसे वालों के लिए तो होगी, मगर गरीब आवाम के लिए तो जीरो भाई। पेट्रोल पे कोई जो वादे नारे लगाए थे वो सब पूरा भाई, ये तो हर हुकूमत करती है, आने से पहले हर हुकूमत का ये वादा होता है कि गरीबों का साथ देंगे, कोई नहीं देता गरीबों का, मतलब गरीब पिसते रहते हैं, गरीब पिसते रहेंगे और पिसते ही रहेंगे। महंगाई जो हो रही है, बेतहाशा महंगाई हो रही है, जिसका दिल चाहता है वो पैसे बढ़ा देता है, कोई पूछने नहीं आता, कोई पूछने वाला नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं, यानी कि एजेंसी को अपने जो यहाँ के जिम्मेदार हैं वो कोई काम ही नहीं कर रहे। क्या कहेंगे जो इतनी महंगाई हुई भी है? सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई मैं यही कहूँगा कि बड़े गरीब लोग हैं, बड़े परेशान हाल है। ये 120 रुपये किलो दूध, सही है ना, लोग किस तरह आधा किलो में 1 पाव में गुजारा करते थे। और सबसे बड़ी बात ये, मैं जज साहब से एक बात कहना चाहूँगा, जब स्कूल बंद है तो स्कूल वाले फीस क्यों ले रहे हैं हमसे, है ना? गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से कि ये फीस ख़त्म कराई जाए, बस बहुत शुक्रिया। कौन सुने उनकी, काम धंधे बिल्कुल नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, निकाल दिए गए हैं गरीब बच्चे, अब वो ठेले लगा रहे तो पुलिस वाले आके तंग कर रहे हैं उनको, तो इनको तो कोई लगाम दो बेटा, आप लोग आवाज़ उठाओ, हम लोग तो बोल रहे हैं, कब तक जुल्म से आएंगे हम लोग? सही कह रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं सर कि आवाम की आवाज़ ना ये हुकामे बाला तक पहुँचे, इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत 2 साल कम्प्लीट हुआ है तो कुछ नज़र आ रही कारकर्दगी के,
परेशान है हम लोग तो बेटा बिल्कुल, जो सीधी बात है, कोई कोई गरीब को कोई फैसिलिटीज नहीं मिली है, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा बेटा। ये सब आपके सामने आवाम है, सबकी एक आवाज़ आएगी, सब परेशान है, बुरी तरह परेशान है गरीब आवाम। पाकिस्तान की इतनी बड़ी कारकर्दगी है कि बेरोजगार कर दिया, 13 साल काम किया, एक फैक्ट्री के अंदर एक पैसा नहीं दिया, निकाल दिया रमजान शरीफ में। ये हालात हैं हमारे, बेरोजगारी बस बढ़ रही है, बेरोजगारी और महंगाई तो बेहिसाब जा रही है, इसका कोई हिसाब नहीं। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ पे सुबह को पैसे ज़्यादा होते हैं, आज 10 रुपए की लाओ परसों 12 की, 15 की, 18 की, कोई हर किराया 12, पहले कोई 1 रुपया नहीं दिया, 13 साल काम किया कंपनी में, 13 साल के बाद निकाल दिया उन्होंने, कोई पैसा पाई नहीं, कोई नहीं कह रहे ओवर एज आप जाओ, ओवर एज का कोई हिसाब नहीं है, रोटी नहीं खाएगा, उसके बच्चे नहीं है, जहर देते कम अज़ कम गवर्नमेंट, वो अपने बच्चों को जहर तो देते, पहले 170 रुपये हैदराबाद का किराया लगता था, 300 कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं, बेचने वाला नहीं। हाँ बहुत महंगाई करी हुई है भाई, गरीब इंसान तो खाने का परेशान है, काम भी नहीं है, और बुजुर्ग आदमियों को काम भी नहीं दे रहा है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, हुकूमत ये काम थोड़ी है कि महंगाई इतनी करना, कितने कितने साल भी होगा, तो जो वादी कहते वो पूरे किए, नौकरी देंगे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे कोई नहीं पढ़ रहा, सब और नाकारा हो गए बच्चे पहले से, इंसान के लिए पैसे बांटे वो भी नहीं मिले, अमीरों को मिले। अच्छा, आप लोग जो पहुँचे? हाँ हमारे तक तो कुछ भी नहीं, कितने बीमार हैं, बीमारी में कोई खास दूध है ये जो लाइन में लगे, थोड़ा और दूध वालों से बेहतर है, ये कम पानी मिला। ओपन मार्केट का भाव 137 रुपये लीटर का है, अगर उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे सारे अखराजात महंगे हैं, जो हमें 1000 रुपये की बोरी मिल रही थी वो आज 4000 की मिल रही है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, इतना मिला है कि जो चीज़ लेनी है लाइन में लग के ले लो। अच्छा, ये रिलीफ नहीं जी, हाँ ये तब्दीली आई, ये तब्दीली और कुछ भी नहीं, यही दूध आराम से मिलता था, आप घंटा भर खड़े रहे फिर नंबर आएगा, या काम कर ले या दूध ले लो, क्या करे इंसान, ना बच्चों का रोजगार है ना काम धंधे हैं, तो क्या करेगा, ये बताओ इतनी महंगाई कर दी है कहाँ से खाएगा। इनसे कहो कि पानी जो वहाँ से आता है ना नहर से, उसमें जहर मिला ताकि सारी कौम मर जाए, तुम लोग सुकून से रहो, इतनी महंगाई। सर क्या कहेंगे, ये तो महंगाई हो रही है, दूध अब एकदम से बढ़ गया अचानक, कोई पूछने वाला है, कुछ है कंट्रोल वगैरह? भाई यही कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ, तो मसला आपको खुद ही पता, सब परेशान है यहाँ, तो सही आप भी दूध के लाइन में खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े हुए दूध को पैसे भी ज़्यादा देने पड़ रहा है, क्या करें भाई। तो कोई खास दूध है ये जो लाइन में लगे, थोड़ा और दूध वालों से बेहतर है, ये कम पानी मिला रहे हैं। सही है, तो ये 2 साल हो गए हुकूमत की, तो कुछ कारकर्दगी नजर आई, आवाम को कोई रिलीफ मिला? अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, बस परेशानी परेशानी, जब से ये हुकूमत आई जब से और ज़्यादा परेशानी है, मतलब बेरोजगारी महंगाई महंगाई तो इतनी हुई, महंगाई तो मत पूछो यार, अभी आटे का अभी मैं आटे की मिल गया था वहाँ पे, पिछले हफ्ते लेके आया था मैं 470 रुपये का, आज मैं मालूम करा तो 550 रुपये का दे रहा हूँ, अब बताओ क्या करें, मतलब हर दिन होता है और एक नया रेट होता है, नया रेट होता है, वो खुद बता रहे हैं, बोले कल रेट 20 रुपये कम थे और आज ज़्यादा होगा, वो खुद 500 यानी 530 का था और आज 550 का, आते नहीं पूछते नहीं है कि प्राइस लिस्ट वगैरह कोई नहीं बोलता यार, मतलब सब एक हो के बात करें तो मतलब वो बात बने ना, कोई एक हो के बात ही नहीं करता यार, ये जो रूल हो रहा है दूध के रेट बढ़ रहे हैं, चीज़ें हो रही है, तो क्या वजह है, पीछे से महंगा हो रहा है, क्या मसला है ये सरकार? बात ये है मेरे भाई कि जो पीछे से महंगा आएगा तो साफ जाहिर है फिर यहाँ से महंगा बिकेगा ना, अचानक ऐसे जैसे हमारे वजीर आजम के बगल में बैठे हुए ना चीनी और आटे वाले, फिर बोल रहे हैं बोरान क्यों है, वजह क्या है, वो जानबूझ के आंखें बंद करके बैठे हुए ना, मतलब कोई तो सर मामला ये है कि जब पीछे से चीज़ महंगी होगी तो यहाँ पे महंगी होगी। तो मतलब आपका कहना है मतलब ये कि तवज्जो नहीं है इस वजह से ये सब चीज़ें महंगी हो रही हैं? तवज्जो तो है, महंगाई पे कि जैसे मर्जी करो, जो से चार्जेस का वो करेगा। हाँ सही, तो मतलब आप लोग अभी कमिश्नर जो है वो भी दुकानदार को ही जो है परेशान कर रहा है, जैसे अभी आप आए आपने मुझसे सवाल किया, बाड़े वाले से सवाल नहीं किया या किसी पैकार से नहीं किया, आपने मुझसे सवाल किया, असल में जो है वो जो दूध जो बेच रहे मंडी वाले सवाल उनसे बनता है कि उन्होंने महंगा पीछे से महंगा आ रहा है ना, हमारे इसमें क्या गलती है,
अब ये कस्टमर लगे हुए हैं, हम भी कस्टमर हैं, ये जो लाइन में लगे हुए हैं ये कस्टमर हैं, हम उनके कस्टमर हैं। फ़र्क कितना है, हम मन के हिसाब से ले रहे हैं, ये लीटर के हिसाब से ले रहे हैं। सही बात है, जो आप लोगों को पीछे से इतना महंगा दिया जा रहा है, वो पीछे से तो आप मिसाल के तौर पे 5 नंबर तक का आपको पेट्रोल दिया जा रहा है, अगर उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे सारे अखराजात महंगे हैं, जो हमें 1000 रुपये की बोरी मिल रही थी वो आज 4000 की मिल रही है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जी सर, क्या कहेंगे, ये जो महंगाई हो रही है? महंगाई तो गलत है ना भाई, नाजायज है ये, आप कंट्रोल करो इसको। कोई कहाँ महंगा हुआ है, कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, अपनी मनमानी हो रही है। ऐसी मनमानी है ना, हुकूमत ऐलान कुछ करती है, बेइज्जती कुछ है, तो यहाँ पे आगे कोई पकड़ता नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, कमिश्नर वाले आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं यहाँ पर, जो करना है ऐसी बात है, खुला बिक रहा है ना, किसने जाएगी? आप जिन्हें बोले कौन बोलेगा, कोई भी नहीं बोलता है, मनमानी तो है ये पूरी 120 रुपये कर दिया इन्होंने, है अभी कितना टाइम हुआ है, मतलब अभी हर चीज़ ही महंगी हुई है, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं डेली। वो तो बढ़ गए ना, ठीक है ना, भैंस कॉलोनी का क्या रेट है, अब इतने अखराजात ये बता रहे हैं, किस तरह चलेगा हिसाब किताब? बाकी 2 साल हुकूमत कम्प्लीट हो गए तो आप लोगों को कोई रिलीफ मिला, कोई कुछ जो वादे ना रहे थे वो कोई रिलीफ नहीं मिला का, जो आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, इतना मिला कि जो चीज़ लेनी है लाइन में लग के ले लो। अच्छा, ये रिलीफ नहीं जाए। जी हाँ, ये तब्दीली आई है, ये तब्दीली है और कुछ भी नहीं, यही दूध आराम से मिलता था, आप घंटा भर खड़े रहे फिर नंबर आएगा, या काम कर ले या दूध ले लो, वो भी महंगा, वही ना, कहेंगे जो महंगाई इतनी हुई है, हर चीज़ दूध वगैरह हर चीज़ महंगी क्यों कर दी है भैया, सारी चीज़ें महंगी कर दी हैं, कोई चीज़ सस्ती है और क्या, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी, पता क्या हमें यहाँ खाने पीने को नहीं है, महंगाई इतनी कर दी है, कारोबार है नहीं। तो ये 2 साल हुकूमत को होगा तो कुछ फ़ायदा हुआ वहाँ पर? कुछ हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कोई नहीं, नहीं हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, अगर फ़ायदा नज़र आएगा तो हम खुद आप लोगों को बताएंगे, हाँ भाई हमें फ़ायदा, हमें कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आया, कोई बेनिफिट नहीं है इस हुकूमत से हमें, सब तरफ गंदगियाँ हैं, कचरे के ढेर हैं, सब कुछ है, महंगाई है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई फायदा नज़र नहीं आ रहा, कुछ नहीं, और जो महंगाई इतनी हुई भी है, बेचारे जो हुई है, जी हाँ वैसी की वैसी है, कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि और मजीद होती चली जा रही है, दूध सस्ता हुआ था, पेट्रोल सस्ता हुआ था, दोबारा महंगा हो गया, बहुत महंगाई भाई, बहुत महंगाई, हर चीज़ महंगी है, दूध सब, गरीब गरीब क्या खाएगा बताएं, अब कुछ खाएगा गरीब, अब तो और हो गई है, इमरान खान तो बोल रहे थे सस्ताई हो जाएगी, और उनके 2 साल भी कंप्लीट हो गए तो कोई फायदा हुआ आवाम को? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हो तो भूखा मरने पे नौबत आ गई, जिसका कमाने वाला नहीं हो क्या करेगा, मजदूरियां हैं नहीं कि मजदूरियां हो, कोई वही नहीं है। सर क्या कहेंगे, ये तो इतनी महंगाई हो रही है, हर चीज़ पर आग लगी हुई है भाई, आग तो सारी जगह लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है भाई, मतलब जो एक दूध बचा था उसको भी महंगा कर दिया हो, वो तो जाहिर है करें, पाकिस्तान आटा दही दूध हर चीज़ महंगी है, मतलब कोई चीज़ अब इंसान की मतलब बस में नहीं रही है, जो आवाम जो बेचारी पिस रही है, बेरोजगारी भी अलग है, आवाम वैसी पिस रही है और पिस रही है, यहाँ पर पाकिस्तान है भाई, इमरान खान हुकूमत है माशाल्लाह, जिसकी भी हुकूमत आएगी सब ऐसे ही है, तो हुकूमत को उनकी हुकूमत के 2 साल भी हो गए तो कोई रिलीफ मिला, जो वादे किए थे आवाम को आसानियाँ दी जाएंगी, कुछ भी नहीं मिले माशाल्लाह तबारक अल्लाह, कुछ भी नहीं मिला अल्लाह के हुकूम से, ये देख लें रोड वोड सारी स्पेशल हैं यहाँ के, खड्डे गटर बहेंगे, लाइट तो होती ही है, कभी आती है कभी जाती है, और वो बिजली के बिल बिल तो माशाल्लाह अच्छे देते हैं, तगड़े आवाम खुश हो जाती है, सुकून से रहती है, ठीक है। तो अब क्या करें इंसान, गरीब इंसान क्या करें, मतलब हर चीज़ महंगी हुई है, दालें सब्जियाँ, अब दूध हर चीज़, अब तो आटे पे बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए, चीनी पे, क्या करें इंसान, ना बच्चों का रोज़गार है, ना काम धंधे हैं, तो क्या करेगा ये बताओ, इतनी महंगाई कर दी है, कहाँ से खाएगा, कोई पूछने नहीं आता, कि भाई पूछने नहीं आता, जिसका दिल चाह रहा है उस हिसाब से बेच रहा है वो, बस अब ये मिर्चे 50 रुपये पाओ, खरीदने से पहले लग जाती पहले, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है, अल्लाह रहम करे परवरदिगार इन हुक्मरानों के ऊपर, इनसे कहो, इन कह दोगे ना, इनसे कहो कि पानी जो वहाँ से आता ना नहर से, उसमें जहर मिला ताकि सारी कौम मर जाए, तुम लोग सुकून से रहो, इतनी महंगाई है, हर दिन नया दिन होता है, और महंगाई आटे पे भी 450 रुपये बढ़ाएं, चीनी पे भी 150 रुपये बढ़ाएं, गोरी गोबर समझे 60 रुपये आटा हो गया है, 90 रुपये चीनी हो गई है, क्या कर रहे हो यार, कैसे चला रहे हो इस मुल्क को भाई, बहुत गलत कर रहे हैं, हमारा संग हमारा दिन दुख रहा है, बत्ती रात दिन भर में 10 दफा जावे, एक भत्ते को भी न देवे, बेटा तो बंद कर दे, बहुत परेशान कर रखा है,
ये हक बात ये है बेटे कि जिन उन लोगों ने वादा किए दो साल से, इनके पुराने क्लिप्स उठा के देखें, जो इनकी बातें थी उससे बिल्कुल ये मुनहरफ हैं। इन्होंने बिल्कुल ऐस बाहर के लोग ला के रखे हुए जो इनको पाकिस्तान से मोहब्बत ही नहीं। वो आज यहाँ पाकिस्तान को लूट कर कल फिर वापस अमरीका, बरतानिया, जहाँ जहाँ से वो आए वहाँ चले जाएंगे। फेडरल टैक्स कितना है इसके ऊपर? समथिंग 200 रुपये, 1100 रुपये, 200 रुपये अगर टैक्स है। ये फेडरल टैक्स है जी, ये फेडरल टैक्स है। जब गवर्नमेंट फेडरल टैक्स नहीं हटाएगी तो महंगाई कहाँ जाएगी? ये भी आप तीन बंदों ने फांसी दी अपने आप को लांडी चिराग होटल 5 नंबर पे। आप लोग को कोई कुछ भी इलम नहीं है। बच्चों के समेत उसने फांसी दी है घर में। सिर्फ किस बात पे? नाश्ता नहीं था घर में बच्चों, क्या घर में नाश्ता नहीं था। ये हालत है, ये इस तरीके की तब्दीली है। सर क्या कहेंगे, ये जो इतनी महंगाई हुई है, ये हमारे साथ दुश्मनी की हुई इन लोगों ने। और जो बोला था ना कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, सब झूठ बोला था इन लोगों ने। दो साल हो गए इस हुकूमत को, नाकार हुकूमत है। इसको यहाँ से हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए इसको, ताकि आवाम को सहूलत मिले। आवाम के लिए कोई पैकेज नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं है। नौकरी भी नहीं मिलती, ना घर दिए, ना कुछ करा। झूठे वादे किए हैं सारे इस हुकूमत ने, दगाबाजी की है हम लोगों के साथ। बेटे आपका चैनल माशाल्लाह इस मामले में बहुत काम कर रहा है, और अल्लाह इसको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे। बेटे बात यह है, हक़ बात कहने वाले लोग कम हैं और सुनने वाले लोग भी कम हैं। आपके ऊपर पाबंदी लगाई इस बात की आप हक़ बात करते हैं। ये हक़ बात यह है बेटे कि जिन उन लोगों ने वादा किए दो साल से, इनके पुराने क्लिप्स उठा के देखें, जो इनकी बातें थी उससे बिल्कुल ये मुनहरफ हैं। इन्होंने बिल्कुल ऐस बाहर के लोग ला के रखे हुए जो इनको पाकिस्तान से मोहब्बत ही नहीं। वो आज यहाँ पाकिस्तान को लूट कर कल फिर वापस अमरीका, बरतानिया, जहाँ जहाँ से वो आए वहाँ चले जाएंगे। ज़्यादातर लोग अनसेलेक्टेड लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं जो बाहर के, जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं, ना पाकिस्तान के लोगों से, ना पाकिस्तान की मईशत से, ना पाकिस्तान के हालात से। पाकिस्तान के डेली महंगाई हो रही है, महंगाई इतनी हो रही है, हर चीज़ में हो रही है सर, कोई फिक्र नहीं। देखें अभी बिजली के ऊपर वादा किया उनके वजीर ने, और उसी दिन से लोड शेडिंग उससे ज़्यादा होने लगी। ये कितनी गलत बात है। ये देखो कि ऐसी आ रहे हैं महंगे, तगड़े तगड़े बिल आ रहे हैं, बिल, हाँ बिल ज़्यादा आ रहे हैं। देखें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक के पास जाओ बिल लेके, सबसे पहले वही कहते हैं ये बिल बन गया पहले इसको भरवा। अरे वो आने वाले को सच्चा समझते ही नहीं, वो अपने स्टाफ को सच्चा समझते हैं। ये सबसे गलत बात है, वो जस्टिफाई नहीं करते, ये नहीं सोचते कि कोई शख्स इतनी दूर से चलकर आया, धूप में आया है, इसकी हम इसकी सुने। बस वो ये कहते हैं ये जो बन गया है, ये कंप्यूटर बन गया, इसे तो भरना ही है आपको। ये तो भरे हैं, उसके बाद इसके बाद देखेंगे हम। तो ये फिर उसके बाद कुछ नहीं देखते बेटे। ये सब ये पता नहीं किसका ये मुआहदा हुआ हुआ है, ये क्या इलेक्ट्रिक है क्या चीज़, जो किसी के काबू में नहीं आ रही है। कितना बड़ा जिन है ये कि जिससे कितनी हुकूमतें आ गई मगर ये अपनी जगह कायम है। और इसका कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, क्या किया, किस बेटे हम बहुत तंग हैं इससे। असल में ये देखें फेडरल टैक्स इसके ऊपर कितना है, ये देखें आप कैमरा दिखा सकता था भाई। फेडरल टैक्स कितना है इसके ऊपर? समथिंग 200 रुपये, 1100 रुपये, 200 रुपये अगर टैक्स है। ये फेडरल टैक्स है जी, ये फेडरल टैक्स है। जब गवर्नमेंट फेडरल टैक्स नहीं हटाएगी तो महंगाई कहाँ जाएगी? अगर टैक्स हटा देती है गवर्नमेंट फेडरल टैक्स, जिस तरीके से IMF से और दूसरे ममालिक से उन्होंने टैक्स लिया है, उसकी मद में खुद भी तो लिया है ना टैक्स, इमदाद ली है ना। अगर पाकिस्तान के अंदर 6 महीने के लिए सिर्फ अगर ये ख़त्म कर दें, टैक्स ख़त्म कर देते हैं फेडरल टैक्स जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, तो ऑलरेडी कम महंगाई कम हो जाएगी। कोई हुकूमत 2 साल भी होगा तो आपको कुछ फ़र्क नज़र आया, कोई रिलीफ मिला, जो वादे नारे होते हैं उसमें कुछ कोई परफॉर्मेंस नज़र आई आपको हुकूमत की? माशाल्लाह वो तो क्रिकेट की तरह ले रहे हैं हमारे खान साहब इसको, एकदम एकदम छक्का लग जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। जो भी आया है वो उनको ये सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान मिला है, जो आता है यही रोता है कि जी पीछे खसारा था, पीछे वालों ने हमें बड़ा हाल करके दिया। नहीं लेते आप, आपको पता था ना माशी हालात सही नहीं है, नहीं लेना चाहिए था आपको। आप पेरिस में तो आए नहीं हैं, जो आपको पेरिस बना के देगा कोई और आप चलाएंगे उसको, तो बच्चा भी चला लेगा। पाकिस्तान को किसी तंजीम ने नहीं चलाया है, ना किसी तहरीक ने चलाया है। इसको जो चला रहा है पाकिस्तान को, सिर्फ एक शख्स चला रहा है, वो ये पाकिस्तान को यही चला रहा है भाई। 1947 से अभी तक यही चला रहा है, बाकी कोई नहीं चला रहा है। घंटे आधे घंटे बाद लोड शेडिंग, एक घंटे बाद लोड शेडिंग, 20-20 हज़ार का बिल भेज रहे हैं दो दो कमरे के घरों का, हैं ये लोगों के हाल है। ये बोलता था तब्दीली आएगी, तब्दीली कोई तब्दीली नहीं है, तबाही है। आटा महंगा, चीनी महंगी, सब चीज़ महंगी। ये आवाम अपने बच्चों को जहर दे दे। ये भी आप तीन बंदों ने फांसी दी अपने आप को लांडी चिराग होटल 5 नंबर पे। आप लोग को कोई कुछ भी इलम नहीं है। बच्चों के समेत उसने फांसी दी है घर में।
सिर्फ किस बात पे? नाश्ता नहीं था घर में, बच्चों क्या घर में नाश्ता नहीं था, ये हालत है, ये इस तरीके की तब्दीली है भाई। हुकूमत को सब पता, टीवी में देखते हैं कितनी महंगाई है, ये 600 रुपए का सामान है इतना सा बच्चों के लिए, कोई फायदा नहीं है बोलने से। सब हुकूमत को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, महंगाई कितनी है, समझे कि हम आएंगे तो सस्ता करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। कोई सब ऐसे बोलते हैं यार, कोई नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। दूध महंगा हो गया समझे, रोज की चीज़ों पे रोज दाम बढ़ते हैं, चीनी पीछे सब्जी को छोड़ो, चीनी रोज का काम है बच्चों का, वो भी चीनी नहीं मिलती, 80-85 रुपये, 80 से ऊपर अभी 85, दो दिन हो गए 85 कर दी, कोई 90 बेच रहा, छोटी दुकान वाले जो बेच रहा है वो कर रहा है, वो सस्ता नहीं है, सब ऐसे ही है यार। घर में बैठा हूँ, बिजली के बिल पूरे आ रहे हैं, बिजली 4-4 घंटे नहीं होती, 5 घंटे नहीं होती, मगर पूरे बिल पूरे आ रहे हैं समझे। अभी कम कराने जाओ तो नहीं करते, बोलते भी है काम नहीं है, बेरोजगार हैं समझे। हमारे खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे ज़्यादा सस्ता है, लेकिन ये आवाम इतनी बेवकूफ़ हो गई है, इस आवाम को इतना कर्ज़ों के नीचे दबा दिया है, इतनी परेशानी में ये आवाम रोड पे आ ही नहीं सकती। अगर वो रोड पे आते तो पीछे उसके बच्चे भूखे हैं, तो बोले तुम लोग घर में ही मरो, तुम लोग रोड पे आओगे ही नहीं। पेट्रोल सस्ता है, बार बार टीवी पे आके पेट्रोल सस्ता, इनसे ये पूछो बाहर मुल्कों के अंदर करेंसी की कितनी वैल्यू, पाकिस्तान की करेंसी कितनी खराब हुई हुई है, बोलते हैं पेट्रोल सस्ता है। तुम पेट्रोल सस्ते का रो नहीं, उधर बाहर मुल्कों का बोल रहे पेट्रोल महंगा है, तो वहाँ नोट भी ऊपर है, करेंसी भी ऊपर है। साल होगा हुकूमत को तो कोई जो वादे नारे किए थे नौकरियां देंगे, मेरे भाई नौकरियां ये तो सुन लिया, नौकरी लेकिन मौतें दे रहे हैं, नौकरी तो नहीं दे रहे, मौत दे रहे हैं, उम्र ज्यादा हो गई, टोटल झूठ। टोटल भाई, इसको किसी की शागिर्दी करनी थी जब आके इसको हुकूमत में आना था, समझ में आई? हाँ महंगाई तो बहुत है मेरे बच्चे, तो गलत कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं गरीबों के साथ में जी। और क्या बात रहा है कि हम वादे किए थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, सस्ता करेंगे, जिसे करेंगे तो हुआ नहीं हुआ, बहुत गलत कर रहे हैं, हमारा संग हमारा सिर दुख रहा है, बत्ती रात दिन भर में 10 आवे, एक बच्चे को भी नशे में बेटा तो बंद कर दे, बहुत परेशान कर रखा है। बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, ये बात सही कह रहे हो, बिजली ज़्यादा आ रहे हैं, बिल पूछने वाला ही कोई नहीं है, हर कोई ले रहा है, कोई महंगाई का आवाज़ ही नहीं उठाता है, क्या करें, बच्चों को तो खिलाना है ना, जैसे भी करना है। मुझे तो कोई कार्यकर्ता नहीं है, उनके जो दावे थे वो बस सिर्फ दावे ही रह गए, वो कहते कुछ है वो होता कुछ है, हुकूमत से बोलते हुकूमत सुनते नहीं है, बिल इतने इतने आ रहे हैं, बंदा कुछ नहीं कर सकता, वो बोलते नहीं भरते, आपको आपके तो भरना है, कुछ भी करो नहीं भरोगे डबल आएगा, भरने के बावजूद डबल आ रहा है, बिल कर दिया है हुकूमत की तरफ से माफ़ हो गया, हम फिर भी भर रहे हैं, उसके बावजूद डबल आ रहा है, कोई पूछने वाले ही नहीं है। इतना फायदा हो गया ना, कोरोना ही कोरोना हो गया, क्या कोरोना ये तो बता दो, खुदकुशी कोरोना, आटा महंगा कोरोना, सब कुछ यही कोरोना हो रहा है, वैसे कोरोना नजर ही नहीं आ रहा है, ये नजर आ रहा है आटा महंगा कोरोना, खुदकशी कोरोना, जिला अस्पताल जाओ तो अंदर डाल देते हैं, ये भी कोरोना है भाई। सलाह माफी से महंगाई तो हर चीज़ ही महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी है, रोजाना उठते तो एक नई चीज़ महंगी हुई होती है, रोजाना रोज हर चीज़ महंगी, जो 10 रुपए की चीज़ लेते थे ना वो 50 रुपए की चीज़ आ रही है, बच्चों को क्या खिलाएं, तनख्वाह इतनी है नहीं, हुकूमत से बोलते हुकूमत सुनते नहीं है, बिल इतने इतने आ रहे हैं, बंदा कुछ नहीं कर सकता, वो बोलते नहीं भरते, आपको आपके तो भरना है, कुछ भी करो नहीं भरोगे डबल आएगा, भरने के बावजूद डबल आ रहा है, बिल कर दिया है हुकूमत की तरफ से माफ़ हो गया, हम फिर भी भर रहे हैं, उसके बावजूद डबल आ रहा है, कोई पूछने वाले ही नहीं है, बोलते हैं आवाम है, आवाम तो लड़ने कमाने जा रही है, आप कमाने दोगे तो कमाएगी ना, आपसे मांग तो नहीं रहे, वो आवाम तो छीन छीन के आप मांग रहे हो, खा रहे हो, क्या करोगे। अपनी हुकूमत तो 2 भी होगा तो आप लोगों को भी नज़र आया है कोई कोई तब्दीली नज़र आई है? बेकार हो गया, जो पोस्ट बेकार कर दिया, लोगों को निकाल दिया, आप घरों में राशन पहुँचा रहे हो, उनके आटा है, चीनी है, तेल है, सब पे पैसे उतरे हुए, यहाँ उतरते ही नहीं, उतरने से पहले ही वो बढ़ जाते हैं, नाम होता है कि उतरे, वो गायब हो जाती चीज़ जब उतरते हैं, आने से जब उतारे तो नज़र तो आए आवाम को, आप दो तो उसको कुछ भी नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो, कहाँ है करो ना, मुझे बताते रेट बढ़ रहे हैं, कोई भी नहीं आता, बिजली आ रही है नहीं आ रही है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है, गटर बह रहे हैं, गलियों में बच्चे नहीं आ सकते हैं, हर जगह से हर इंसान को परेशानी, कोई पूछने वाला नहीं है, सब एक दूसरे से हुकूमत पे लगे हुए होते हैं, और कुछ नहीं है, कि वैसा कर रहा है उसने बोल दिया वैसा कर रहा है, ये सारे एक हुए हुए, कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आवाम को पागल समझा हुआ इन्होंने, और आवाम है पागल, वो तो रहना है उसे तो दुनिया में, कि वो मार को ही सकते हैं।
बहुत ज़्यादा महंगाई भाई, बहुत परेशान हो। मतलब हर चीज़ जो है, सब्जी है, गोश्त सब कुछ महंगा, दूध बचा था वो भी महंगा, दूध भी दही भी सब महंगा, सर महंगा कर दिया बिल्कुल। तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछता कि क्यों बढ़ रहा है? नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बस सब अपनी मनमानी से बढ़ाए जा रहे हैं, अपनी मनमानी से बढ़ा रहे हैं, कोई गरीबों का कोई ख्याल नहीं था। तो ये हुकूमत का भी 2 साल भी कंप्लीट हो गए हैं हुकूमत करते हुए, जो उन्होंने वादे किए थे कि वादा ही नहीं किया, सही पूरा ही नहीं किया वादा, क्या करें, घर देंगे, नौकरियां देंगे, कुछ नहीं दे रहे, सब बेकार है। सर क्या कहेंगे, ये तो महंगाई बढ़ गई है हर चीज़ के ऊपर, दूध है, दही है, सब्जियां हैं, गोश्त है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूँगा कि महंगाई तो बहुत होगी, आटा तो आज 6 रुपये फिर बढ़ गया, अब गरीब आदमी और पिसता जा रहा है, चीनी भी बढ़ी हुई है, चीनी भी बढ़ी हुई है, सब कुछ बढ़ गया है, वैसे आटा जो बेसिकल है वो हमारा बहुत बढ़ गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ कमी करे, आवाम पे इतना बोझ डल रहा है, उसको कुछ कमी की जाए। तो अभी हुकूमत को 2 साल भी हो गए, तो आप लोगों को कोई कारकर्दगी नजर आई हुकूमत? मुझे तो कोई कारकर्दगी नहीं आया, उनके जो दावे थे वो बस सिर्फ दावे ही रह गए, वो कहते कुछ है वो होता कुछ है, घर देंगे, नौकरियाँ देंगे, कारोबार चढ़ करा देंगे, वही मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने जो दावे कहे कि हम 1 लाख या 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, गरीबी आवाम जो सा और नीचे की तरफ आते जा रहा है, अब तो ये सोच रहा है कि करे क्या बंदा। तो अभी हुकूमत ने जो कर्जा भी दे रहे हैं ना बिजनेस के लिए, नौजवानों के लिए, तो वो भी कुछ अप्लाई नहीं कर रहा, अप्लाई किया था उसके लिए भी कोई नहीं आया अभी तक मेरे पास रिजल्ट। अच्छा। मैंने 2-3 मरतबा अप्लाई किया, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या बोल रहे हैं? कोई अप्लाई नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ मैसेज जा रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, दूसरों के आए होंगे मुझे बहरहाल पता नहीं। तो कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं हुकूमत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आवाम का कुछ ख्याल करें, आवाम बहुत पिस रही है, आप रिलीफ दी जाए आवाम को, हमारे आपके हाथ में तो है नहीं, हम लोग ही जो है ना बस आवाम ही मुँह से क्या निकलता है वो सही हो जाए तो इनका बाप भी सस्ता करेगा, सही है, सिर्फ आवाम की गाली नहीं निकाल सकते, आवाम बाहर आ जाए, आवाम आवाम आ जाए सब कुछ सस्ता हो जाएगा, यकीन करो, रक्षा चलाते हैं बैठे हैं सारा दिन, अब आटा महंगा होगी फिगर्स को लगेगी, सही बात है, आप लोग तो जाओगे फिर भी तनख्वाह मिल जाएगी, हम लोग को तो रोज कमाना, सिर्फ हम लोग इसमें कसूरवार हमें आवाम है, आवाम खुद कसूरवार है, आवाम क्यों कसूरवार है? आवाम निकल गया है, इनका बाप भी हर चीज़ सही करेगा, क्या बात करो, ठीक है। तो ये और ममालिक हैं वहाँ पे क्या होता है, बगैर इंतखाबात के ही सदर बन जाता है अपना, मेरे ख्याल तुर्की का मुल्क कहाँ का है, सही, यहाँ के तो अमीर लोग लाते हैं और अमीर लोग पिसते हैं, इनके मज़े। तो 2 साल हो गए तो आए हुए, तो कोई फ़ायदा हुआ? कोई इतना फ़ायदा हो गया ना, कोरोना ही कोरोना हो गया, क्या कोरोना ये तो बता दो, खुदकुशी कोरोना, आटा महंगा कोरोना, सब कुछ यही कोरोना हो रहा है, वैसे कोरोना नज़र ही नहीं आ रहा है, का ये नज़र आ रहा है, आटा महंगा कोरोना, खुदकशी कोरोना, जिला अस्पताल जाओ तो अंदर डाल देते हैं, ये भी कोरोना है भाई, बहुत महंगाई हुई हुई है भाई, हर चीज़ महंगी हुई हुई है, हर चीज़ चीनी आटा हर चीज़ महंगी है, क्या खिलाएं बच्चों को, क्या करें, सही बात है ना, सही। एक कमाने वाले उस वो भी बेरोजगार है, कोरोना की वजह से निकाल दिए गए, तब क्या करा जाए, अभी जो अचानक जो हर चीज़ पे 100 रुपये पड़ गया, 150 रुपये पड़ गया, तो कोई पूछता नहीं है, पूछने वाला ही कोई नहीं है, हर कोई ले रहा है, कोई महंगाई का आवाज़ ही नहीं उठाता है, क्या करे, बच्चों को तो खिलाना है ना, जैसे भी करना है। عوام کی حکومت سے یہی ہے درخواست کہ حکومت میں آنے سے پہلے جو اپنے وعدے اور نعرے ہیں ان کو پورا کیا جائے اور عوام کو صحیح والا ریلیف اور اس مہنگائی اور بے روزگاری کو ختم کیا جائے اسی کے ساتھ عوام دوست کو اجازت آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ